हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। मैंगो का अच्छा सीजन चल रहा है और मैंगो खाना किसे पसंद नहीं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आमरस, उसके साथ में पूरियां और आलू की सब्जी। पहले हम आटा लगा लेते हैं पूरियों के लिए। आइए फ्रेंड्स, ये हमने 2 कप मैदा लिया है ऑल पर्पज फ्लावर, और इस कप से मैंने मेजर करके लिया है, और ये 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, 1/2 टेबल स्पून ज़्यादा हमने गेहूं का आटा ले लिया है। तो ये गेहूं का आटा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ में ही 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। आटे को अच्छे से मिक्स करके हम आटा लगा लेते हैं। हमने आटा लगा लिया है। आटा हमने ज़्यादा टाइट नहीं लगाया है, सॉफ्ट आटा लगाया है। मैंने पहले अभी 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसको मसलना है पूरी तरह से। वापिस से हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आटे को अच्छे से मसलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, पर पूरा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके ऊपर ऑयल का हाथ लगा के हमने कपड़े से इसे ढक के रखा है। आधे घंटे के लिए इसे हम ढक के रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, पूरियों के साथ हम आलू की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली आलू की सब्जी हम बना रहे हैं, जिसके लिए ये हमने 4 आलू बॉईल करके उसका छिलका निकाल के छोटे साइज में कट करके लिए है। 3 हमने प्याज लिए हैं, लंबे से कट करके लिए है, छोटे साइज के मीडियम साइज के प्याज थे, आपके बड़े हैं तो दो ही लेना। और ये 1 टीस्पून राई और जीरा लिया है। ये 3 हमने हरी मिर्च बारीक कट करके लिए है। 10-12 हमने करी लीव्स लिए है। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टेबल स्पून नमक है। ये हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून लिया है, और 1/8 टीस्पून हम हींग लेंगे एसाफोटिडा। ऑयल लगेगा हमें सब्जी बनाने के लिए, तो हमने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। गैस पे कढ़ाई रख के हमने 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये जीरा और राई ऐड कर लेते हैं। 1/8 टीस्पून हमने हींग लिया है, वो भी इसमें डाल दिया। करी लीव्स लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं, और अभी हम ये प्याज इसमें ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, आलू की सब्जी सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अभी ये हम गार्लिक और जिंजर पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 मिनट हमने जिंजर गार्लिक को भी प्याज और बाकी की चीज़ों के साथ अच्छे से भून लिया है। अभी ये 3 हमने हरी मिर्च लिए बारीक कट करके, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा हरी मिर्च इसमें डालिए, या कम चाहिए तो कम कीजिए। ये मैं मीडियम बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 डाले। अभी इसमें हम ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो पे रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें ये आलू ऐड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली है हमने आलू के साथ में। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख के 4-5 मिनट के लिए इसे। आइए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं। 4-5 मिनट के लिए हमने इसे रखा था।
ये देखिए हमारे आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये सब्जी आप डोसे के साथ भी खा सकते हो, पूरी के साथ भी खा सकते हो, चपाती के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी लगती है सभी चीज़ों के साथ। तो अभी हमारी आलू की सब्जी बन चुकी है, हम आमरस बना लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम आमरस बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 अल्फांसो मैंगो लिए हैं। ये मैंने 10-15 मिनट पानी में भिगो के रखा था इनको, और अच्छे से वॉश करके पोंछ करके लिए हैं। तो अभी हम इनका छिलका उतार लेते हैं। छिलका मैं इस तरह से इसका उतार लेती हूँ। ये तीनों मैंगो को हमने कट करके लिया है। अभी इसमें हम ये 4 टेबलस्पून शुगर डाल रहे हैं। हम पूरियों के साथ रस बना रहे हैं आमरस, इसलिए ये 4 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, या कम पसंद है तो कम डालिए। और जैसे आपका आम भी अगर ज़्यादा मीठा है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 कप हमने इसमें दूध डाल लिया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आमरस बना लिया है। अभी हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रीज में रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे के लिए हमने आटे को अच्छे से ढक के रखा था। अभी हम इसे वापस से थोड़ा सा मसल लेंगे, इसमें से लोइयां निकाल लेंगे। जिस साइज की पूरी आपको बनानी है उसी साइज का आप बना सकते हो, या बड़ी सी रोटी बेल के उससे भी आप निकाल सकते हो, पर मैं ऐसे ही छोटी ही ले रही हूँ और उसमें से ही पूरी बना रही हूँ। हम चकले को और बेलन को दोनों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और जो हमने लोइया निकाली है उसे हम बेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी साइड से अच्छे से बेलना है हमें। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ये पूरियाँ डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरियाँ कितनी फूली फूली बनी है, और बहुत ही अच्छी बनी है हमारी पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आमरस पूरी और आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।